हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू क्रिएटिव एक्टिविटी। आज मैं आपको डीसी फुल कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी पार्ट 7 बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम, हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम, ये बताने वाली हूँ। मैंने पार्ट 6 में फोल्डर और फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे रीनेम किया जाता है और उसे कैसे कॉपी पेस्ट और डिलीट करते हैं, ये बताया है। अगर आपको पार्ट 6 का वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अब है हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम। टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम फॉलोस दीज स्टेप्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ऑन द लाइन ऑफ यूपीएस। नेक्स्ट है नाउ वी विल प्रेस द स्टार्ट बटन ऑफ सीपीयू एंड वेट इन अ मोमेंट। We see the welcome screen on to the monitor screen. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये UPS है और UPS में ये start button है। पहले start button को press करके UPS को on करेंगे। देख सकते हैं, ये start button इस तरह का होता है और उसके बाद CPU में ये start button है। इस स्टार्ट बटन को प्रेस करके सीपीयू को ऑन करेंगे। इसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर आपने कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त कोई यूजर नेम और पासवर्ड डाला है तो आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर नहीं डाला है तो डायरेक्ट स्क्रीन आ जाएगा, और अगर डाला है तो इस तरह का दिखेगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे यूजर नेम, जिस यूजर नेम से आप इसे क्रिएट किए हैं, पासवर्ड डाला है आपने, वो दिखेगा, और यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड डाल के जो भी आपका पासवर्ड है और यहाँ एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे 2-3 सेकंड के बाद आपका नॉर्मल स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप आ जाएगा। इस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। ओके, हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू, देन क्लिक ऑन पावर बटन, नाउ सेलेक्ट शट डाउन। सेम, लगभग सेम प्रोसेस होता है रीस्टार्ट करने का भी, तो मैं इसका थ्योरी आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल साथ में बताऊंगी। देख सकते हैं आप हाउ टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें भी वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू, क्लिक ऑन पावर बटन, नाउ सेलेक्ट रीस्टार्ट बटन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका प्रैक्टिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मॉनिटर का डेस्कटॉप है, स्क्रीन है ये। अब यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है नीचे, इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक नहीं किया जाता है। क्लिक करने के बाद ये पावर बटन है, पावर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये शट डाउन है, अगर शट डाउन करेंगे हम तो कंप्यूटर पूरा शट डाउन हो जाएगा, बस सिर्फ शट डाउन करने से। और उसी तरह से रिस्टार्ट का भी है ऑप्शन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर पावर बटन को क्लिक करके रिस्टार्ट चूज करेंगे। अब यहाँ पे शट डाउन और रीस्टार्ट आप देख चुके हैं। रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर एक बार अपने से बंद होके और ऑटोमेटिक चालू होगा, और शट डाउन का मतलब है कंप्यूटर फुल बंद हो जाता है। और ये हो गया स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब हुआ कि जैसे कोई काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी प्रोग्राम ओपन करके रखा हुआ है और उसमें काम कर रहे हैं, और आप थोड़ी देर के लिए कोई और अपना घरेलू काम कर रहे हो, तो आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपना कंप्यूटर बंद करें, लेकिन उसमें जितने सारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, ओपन हैं, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो उसी तरह रहे, तो आप स्लीप मोड में उसे कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लीप में क्लिक करेंगे, ये स्लीप मोड में चला जाएगा। तो आज मैंने आपको सिखाया कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं, उसे कैसे शट डाउन करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, और उसे कैसे स्लीप मोड में डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं, उसे शट डाउन कैसे किया जाता है, और उसे रीस्टार्ट कैसे करते हैं, और स्लीप मोड में कैसे डाला जाता है,
यह आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं, और उसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मैं जितने भी नए अपडेटेड वीडियोज़ इसमें डालूँ वो आपको रिसेंटली मिल सके। थैंक यू।